सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झाके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया भक्त तुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका बालक हैं
जो अपने बल में पूरा था। अरे तू क्या है, तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम रघुवर का है। अरे नादान आंख खोल देख, अंगद से आज तू बेटा है। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, वन वन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वो सुंदर सीनारी लंका के बंदी गृह में है, उनका ही दूत बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। ले आए हो पर नारी को बाबा जी बनकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़कर शहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संग्राम, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिनके पत्थर तेरे हैं पानी पर। आकर बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रीझी श्री स्वरूप लखा जी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती हैं, लंका में सती साध्वी हैं। बोली बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चलो अवध शादी करके। तब लखनलाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके। जय श्री राम। के बाहर को संभाल। Ah!
जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज अभी अभी ज्ञात हुआ है रामदल पे उन वानर सेना ने पुल बांध लिया है। क्या कहा? रामदल ने सागर पर पुल बांध लिया है और सेना को इस ओर उतार लिया है। वीरों अब हमें यह विचार करना है कि शत्रुओं का दमन किस प्रकार किया जाए। महाराज, अरे कायलों, जिस समय अकेले वानर ने सारे नगर को जलाया था उस समय उसे क्यों ना भोजन बनाया? जिस समय राम के वाण ने मामा मारीच को यम के द्वार तक पहुंचाया था उस समय उसे क्यों ना बचाया? बढ़ाई हाँकते हो बल्कि, बढ़ाई हाँकते हो बल्कि अपने बेट के घर पर नरों का किस लिए उनको बनाया पुल जो सागर पर किया चौपट नगर को, किया चौपट नगर को वीर सागर में डूबे थे, जलाया जब की लंका को कहा तुम जाके सोए थे। प्रहार! जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। पिताजी, दरबारी लोग तो आपके क्रोध से डरते हैं और आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें बनाया करते हैं, परंतु याद रखिए कपटी लोग मन में कपट रखकर मीठी मीठी बातें बनाया करते हैं और समय आने पर मुंह छिपाकर भाग जाया करते हैं। वीर बातों के पिताजी काम के होते नहीं, जो चमकते हैं सदा वो खड़े होते नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से अधर्म से डरना चाहिए और जानकी को लौटाकर निश्चिंत राज करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं कहता कि मैं कायर बन जाऊं, लंका के नाम पर कलंक लगाऊं, सीता को लौटाकर संसार में डरपोक कहलाऊं? डरपोक नहीं पिताजी, आपका कल्याण होगा, परलोक में गति और लोकों में सम्मान होगा। कर्म जिसके नेक हैं और कल्पना गंभीर है वो नहीं कायर कवि, वीरों में उत्तम वीर है। अरे धूर, क्या तू भी शत्रु का पक्षपाती हो गया? विभीषण चाचा की तरह विश्वासघाती हो गया? अरे जन्म लेकर मेरे कुल में नीच पामर बन गया, कह रही है तेरी बातें, तू भी कायर बन गया। नहीं पिताजी, मैं कायर नहीं हूँ, अपितु आपका सच्चा आज्ञाकारी हूँ। आपके और लंका के लिए हर समय जान देने को तैयार हूँ। तो फिर ऐसी कायरता की बातें क्यों बनाता है? रावण का पुत्र होकर नीचता क्यों दिखाता है? अरे शत्रुओं से हार कर इस कुल को मत बदनाम कर, वीर की संतान है तो वीर ही का काम कर। परंतु पिताजी, अधर्म को छोड़कर धर्म को अपनाइए, कुमार्ग से हटकर सतमार्ग पर आ जाइए और फिर देखिए परस्त किस तरह आपके पसीने की जगह अपना रक्त बहा देगा, यदि यमराज भी होगा सम्मुख उसके भी चक्के छुड़ा देगा। सहस, मैं तुमसे उपदेश नहीं केवल पितृ भक्ति चाहता हूँ। यदि तुम सचमुच मेरे पुत्र हो तो जाओ और जाकर शत्रुओं का नाश करो। हाँ हाँ पिताजी, आप जानकी को लौटाकर युद्ध का आरंभ कीजिए और फिर परहस्त का पराक्रम देखिए। जानकी पाकर भी जो छेड़ेंगे संग्राम को, मैं अकेला जाकर दिखलाऊंगा नीचा राम को। युद्ध निर्दोषों पर पिताजी मुझसे किया जाता नहीं, पक्ष लेकर पाप का लड़ना मुझे भाता नहीं। तो ये हट नहीं छोड़ेगा? नहीं, राम से युद्ध नहीं करेगा? नहीं, मेरा कहा नहीं मानेगा? इस प्रकार कदापि नहीं। तो ठीक है, जहाँ तेरा कुलद्रोही चाचा गया है वहाँ तू भी जा। तुरत निसाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहस बोला दस सीसा, आने हूँ बोली कहीं कर कीसा। महाराज अभी अभी ज्ञात हुआ है उन रामदल की तरफ से एक अंगद नामक वानर दूत बनकर आया है। महाराज ले आओ। महाराज
दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्कंधा का, सुत बालीराज वानर का हूं, है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। श्रीमान आपको ज्ञात न हो कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बाली काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी ना भूल महाशय की, इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की, भगनी श्री स्वरूप निखा जी को प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, फिर भी अचंभा तो ये है श्री राम नाम भी भूले हैं, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं, श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं, वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही पिता का घातक है, यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं, तब सीका दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं, संहारा जिसने बाली बाप, देखो तू उसका दास हुआ, है मित्र पिता के जो तेरे, उन पर न तुझे विश्वास हुआ, वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देश प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता, यदि अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज्य की सेना का कल से तू सेनापति हो जाए, ये सेवा करता अवश्य में, पर मुझ में इतनी योग्यता कहां, लंका का सेना अध्यक्ष बनू, इतनी बुद्धि और वीरता कहां, सेनापति यदि चाहते हो तो रामादल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल हैं, पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मैले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे शासन में रहने को, अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो वो राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा तर्पण को, इसलिए इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन का दर्पण कीजिए, कीजिए कीजिए सुलह रघुनायक से, सीता उनको अर्पण कीजिए, अन्यथा अन्यथा समझ लीजिए कि श्रीलंका में पांव थर चुके हैं, निश्चर चहीन करूंगा मही ये प्रण रघुनायक कर चुके हैं। अच्छा अच्छा यदि सुला चाहते हैं स्वीकार मुझे नियमों पर, पहले दे भेद विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का आज सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेना में, फिर स्वयं कबातन दांतों में शरणागत हो इन पारों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या और कुछ, ये सारी बातें साधारण हैं, मैं जाकर कह दूंगा उनसे, चारों बातें साधारण हैं, जिन हाथों ने पुल बांधा है वो इसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है लंका ही में भिजवा देंगे, हो चुकी जो हानियां अब तक वो सारी पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि वो कैसे पूरी कर देंगे, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री स्वरूप नखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी, श्री राम।
तक का जिस जाम वंश पर फूले हो, चौथा पन है अब उस वट का नल नील शिल्पी कोरे, क्या जाने युद्ध में आना वो है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना वो, बस बस जो कुछ था बस वही एक जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़ कर तीली को पिंजरे से पंछी चला गया है। ये क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां घुमाया करता है, चलते समय कपिपति ने उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो कार्य उसे बतलाए थे, पहले जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना, तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बैठा कर लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। जय श्री राम। पर आज समय ज्ञात हुआ वो काम न कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह तक नहीं दिखाया है, कुछ ज्ञात नहीं कि सोर गया जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वो है ही नहीं रामादल में। अंगद, अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं कालजीत मतवाला हूं जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भजन विश्वाला हूं, मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है, मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा त्रिभुवन में और न टूटा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जो करनी करने वाला है वो करता है कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो बरसा कब है, श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को, घुड़शाला में दश मुंडों का जब दीपाधार बनाया था आ गई थी दया बलि को जाकर तुम्हें छुड़ाया था, उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुधी है धनुष महोत्सव में जब सौ पर बिंदी धर दी थी, क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, अरे काटे हैं तन इंद्र चाल ये तो योद्धा नहीं कहाए हैं, चतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूं क्रोधी हूं, बलिहारी ये भी तो कहिए मैं बाली काक का कैदी हूं। बानर बंद कर उपदेशक का कार्य, अरे तपसी का तू दूत है या मेरा आचार्य? तो सुनिए महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट जनपद सुनसान नहीं होंगे, पर यदि अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। ओ, जो कायर और भयातुर है संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं, मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारकंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं, पर इतना मैंने ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राज्य सभा से जाएगा तो
में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकोक्ति कभी, अन्यायी अधिक न जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है। दो चार रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। जाकर लंकानाथ, कौन कौन सी होएंगी सती तुम्हारे साथ। ओ अधम, सोने की लंका पूर ही बनी है, जहां शक्ति विराजत शंभु भगवान की, जाके चारों ओर गंभीर सिंधु, और कौन पूरी है गणलंक के समान की। कुंभकर्ण बंधुमम पुत्र मेघनाथ मेरो, अरे सेना पार है निश्चर महान की। अरे सृष्टि, इनको तो मैं भले ही जानते हूँ, पर जानते हूँ जानते न जानते हूँ जानती। वैभव विलास तेरो जग में विदित है, पर शत्रुता भली नहीं करुणा निधान की। बाली जैसे वीर हते राम के एक बाण से, खर की गति स्वरूप निखाने बकान की। अरे अभागे, तू इतने पर भी ना चेता, भगनी तुम्हारी किन्ही बिना नाक कान की। खैर चाहो जान की तो दे दो अब भी जान की, अन्यथा अन्यथा प्यासी है रावण जान की तेरी जान की। ओ देव नर सत्य किन्नर दिक्पाल आदि, जोड़े खड़े रहा तहां काम आवेगी सेना बानदान की। अरे कापत विलोक मोहे गहन धनुबान की। अरे सृष्टि त्यागराज भाषा यहां से तू, अब तो खैर नहीं तेरी भी जान की। अरे जान दे हूँ जान मेरा जान दे हूँ जान की। जिन असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है छल है। अच्छा अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलायमान कर कोई असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र जी फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। जय श्री राम। जो आ गया प्रभु। हे नाथ, मेरे विचार से हमें अब
अपनी सेना को चार भागों में बांट लेना चाहिए। दक्षिण के सेनापति हनुमान जी, पूर्व के विभीषण जी और उत्तर के युवराज अंगद जी, और पश्चिम द्वार के होंगे लखनलाल। मेरे वीरों, दो ही प्राणी मेरे परम धाम को जाते हैं, एक योगी और दूसरा रण क्षेत्र में अपने प्राण विसर्जन करने वाला। इसलिए अपने प्राणों की ममता छोड़कर लंका पर आक्रमण कर दो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल लखनलाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। के आज उन तपस्वियों की ओर से वो लक्ष्मण युद्ध में नेतृत्व कर रहा है। हम ये चाहते हैं आज के निर्णायक युद्ध का नेतृत्व हमारी ओर से तुम करो, और उस छोटे तपस्वी को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो। जो आज्ञा पिताजी। चलो वीरो। सकल पान पर वीर गंगा, बोलो लखनलाल की जय। Let's go!
शक्ति का रूप कर अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता बेनुक्ते प्राण गवाता है। जो ये तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभालो रघुवंशी, इसलिए संभालो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस पृथ्वी पर अब लखन जीत कहलाएगा। जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सबने हार ही मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, यह ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, तुझसे सर झुका हमारा है। अच्छा तो संभल जाने पाए। जिस धर्म है तो निज
राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, धर्म ना जाने पाए, धर्म ना जाने पाए। जाइए वैद्यराज, आप अपना धर्म निभाइए, जाइए। हे श्री राम, मैं तो आपके धैर्य की परीक्षा दे रहा था, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी लखनलाल का उपचार करता हूं। हे श्री राम, लखनलाल पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्राणी सूर्य के उदय होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसका केवल एक ही उपाय है कि यदि सेना में कोई ऐसा वीर हो जो सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी ले आए तो श्री लखनलाल के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। हे हनुमान जी, अब रघुकुल की लाज आपके हाथ में है, आपके हाथ में। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं इस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा। हे नाथ, भूतल में हो या नब्बे हो, अंबर में हो या सागर में, लाएगा दास वहीं से ही, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। वैद्यराज, बतलाओ तो उसका रंग रूप किस ठोर हाथ वो आएगी, रघुराय यदि सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। हे वैद्यराज, आप कृपा करके मुझे वो स्थान बता दीजिए जहां से मुझे संजीवनी बूटी प्राप्त होगी, और इसकी पहचान क्या होगी। हे हनुमान जी, मैं आपको बताता हूं, ये यहां से 400 योजन दूर द्रोणागिर नाम का पर्वत है, उसी पर्वत पर संजीवनी रहती है। उसकी पहचान यह है कि वो हमेशा प्रकाशमान रहती है। आप जाइए और शीघ्र उतरे, जैसी आपकी आज्ञा वैद्यराज। जय शंकर की। जय शंकर की। पिताजी, मैंने आपके आशीर्वाद से उस छोटे तपस्वी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार करके उसे मूर्छित कर दिया है, और प्रातः काल तक आपके पास उसकी मृत्यु का समाचार पहुंच जाएगा। पुत्र घननाथ, हमें तुमसे यही आशा थी, हमें तुम पर गर्व है, संपूर्ण लंका नगरी आज तुम्हारे नाम से प्रसन्न होती है। हम आज के इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाएंगे, लंका को सजाया जाए। महाराज, महाराज, रामादल में लक्ष्मण का उपचार किया जा रहा है और हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर जा रहे हैं। क्या कहा? लक्ष्मण का उपचार चल रहा है और हनुमान संजीवनी लेने द्रोणागिरि पर्वत पर जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। याद आया, छल और कपट की विद्या में निपुण काल नैवी आइए महाराज। काल नैवी, तुम लंका के पुराने हितैषी और छल और कपट की विद्या में पारंगत हो। आपकी कृपा है महाराज, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। कालनेमी, तुम्हें तो ज्ञात ही है हमारा राम से युद्ध चल रहा है। आज के इस युद्ध में पुत्र घननाद ने उस छोटे तपस्वी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार करके उसे मूर्छित कर दिया है।
और हनुमान उसके उपचार के लिए संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहा है। तुम जाओ और अपनी माया से उसके मार्ग में बाधा डालो, जिससे वो सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी लेकर ना पहुंच पाए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? जिस हनुमान ने आपके देखते देखते संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला, भला उसका रास्ता कौन रोक सकता है? आप मेरी बात मानिए तो श्री राम की सुंदर श्याम मूर्ति को अपने हृदय में बसाइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। अरे मूर्ख, तू तो मुझे गुरु के समान उपदेश देने लगा। ठहर, पहले तुझे ही हम लोग पहुंचाता हूं। क्षमा महाराज क्षमा, मुझे सोचने का कुछ अवसर दीजिए। सोच ले। इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं श्री राम के दूत के हाथों मरकर ही अपना जीवन धन्य बनाऊं। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा तो सुनो, तुम जाकर छल और कपट की माया से उस हनुमान के मार्ग में बाधा डालो और उसे सूर्य उदय होने तक ना पहुंच पाए और वो छोटा तपस्वी सदैव सदैव के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जो आज्ञा महाराज। द्रोणागिरी पर्वत के लिए यही मार्ग जाता है। मैं अपनी माया से एक सुंदर उपवन, सरोवर और मंदिर की स्थापना करता हूँ और अपना आसन यही जमाता हूँ ताकि वो पवन सुत समय पे ना पहुंच पाए और उस छोटे तपस्वी के प्राण पखेरे उड़ जाए। प्रतीत होते हैं हनुमान, राम भक्त हनुमान।
साथ देख सकता हूँ। मुझ में ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। धन्य है मुनिराज, धन्य है। आपकी ज्ञान दृष्टि निस्संदेह प्रशंसनीय है। अच्छा मुनिवर, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, यदि कुछ जल हो तो कृपया करके मेरी तृष्णा मिटा दीजिए। लो पुत्र, इस कमंडल से जल ग्रहण करो। मुनिवर, भले इस थोड़े से जल से मेरी क्या तृष्णा मिटेगी, यदि समीप में कोई सरोवर इत्यादि हो तो कृपया करके उसका पता बता दीजिए। वो देखो, वहां पर सरोवर है, वहां जाओ और जी भर के अपनी तृष्णा मिटाओ। और हाँ, आते वक्त गुरु मंत्र लेना मत भूलना। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा। ये मेरे पांव से कौन चिपट गया? अरे मगरी, ठहर दुष्टा। धन्य हो राम भक्त हनुमान, धन्य हो। हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस कारण से निवास कर रही हैं? हे नाग, मैं स्वर्लोक की अप्सरा हूँ। मुनि के श्राप के कारण मैं इस सरोवर में मगरी बनकर पड़ी हुई थी। आज आपके चरण छूकर मेरा कल्याण हो गया। देखिए महाराज, वह जो मुनि है वह मुनि नहीं है, वह रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस कालनेमी है। कालनेमी? जो आपके मार्ग में बाधा डालने के लिए मुनि के भेष धारण करके बैठा हुआ है, अतः आप उसे सावधान रहिए। अच्छा, अब मैं अपने लोक को चलती हूँ। जाओ देवी, तुम्हारा कल्याण हो। ओह, तो ये कोई साधु नहीं अपितु रावण का भेजा हुआ दुष्ट मायावी राक्षस का लेमी है। कोई बात नहीं, इसे भी थोड़ा सा प्रभु का प्रसाद दे ही देता हूं। जय श्री राम। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से मेरी तृष्णा मिट गई। अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आ गए पुत्र। हाँ मुनिवर, चलो अब जल्दी से गुरु मंत्र ले लो। गुरु मंत्र? नहीं मुनिवर, नहीं। पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, गुरु मंत्र तो मैं बाद में ही लूंगा। नहीं नहीं पुत्र, पहले गुरु मंत्र। नहीं मुनिवर, पहले गुरु दक्षिणा। नहीं नहीं, पहले गुरु मंत्र। देखिए मुनिवर, मेरी बांदरी बुद्धि के हिसाब से पहले गुरु दक्षिणा देना ही उचित है, गुरु मंत्र तो मैं बाद में ही लूंगा। अच्छा पुत्र, ये तो बताओ गुरु दक्षिणा में दोगे क्या क्या? मुनिवर, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि आप लेते लेते थक जाओगे। अच्छा, तो फिर जल्दी दो, जल्दी जल्दी। पहले आपके चरण तो स्पर्श कर लो मुनिवर। चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बोले पवन सुत हनुमान की जय। धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत धनी सुत धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत धन धन मेरे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे राम, राम जी के बिगड़े सवारे तुने काम। अब लक्ष्मण जी अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे समान रामदल में कोई ऐसा वीर नहीं जो ये कार्य कर सके। जय श्री राम। यह क्या,
ये तो कोई भयंकर राक्षस प्रतीत होता है जो अग्नि का पर्वत लिए जा रहा है। यदि इसने इसे अयोध्या पर गिरा दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं बिना फर का बाण मारकर इसे अभी नीचे गिरा देता हूं। राम, श्री राम, हे राम। ये क्या प्रभु श्री राम का उच्चारण? ये तो भैया राम का ही कोई दास प्रतीत होता है। हे प्रभु, हनजाने में मुझसे ये कैसा अपराध हो गया। हे वीरवर, तुम्हें उन्हीं श्री राम की सौगंध है जो मेरे और आपके प्रिय है। यदि मैं भैया राम का सच्चा दास हूं तो आपके कष्ट शीघ्र दूर हो जाए। राम, श्री राम, जय श्री राम। है, मैं यहां कैसे आ गया और आप कौन है? हे वीरवर, मेरा नाम भरत है और आप इस समय अयोध्या नगरी में हैं। भरत जी प्रणाम। भरत जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक पवनसुत हनुमान हूं। दुष्ट रावण ने माता जानकी जी का हरण कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप राम और रावण में भयंकर युद्ध हो रहा है और रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी दशा काफी चिंताजनक है। इसलिए यह संजीवनी बूटी मैं उन्हीं के उपचार हेतु ले जा रहा हूं। यदि मैं समय पर ना पहुंचा तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, श्री लखनलाल के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। बड़भागी तो है लक्ष्मण, जो रहता उन चरणों में है, अब तक जीता उन चरणों में, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है, अब तक प्रभु के कुछ काम ना आया है। सोने खाने में ही उसने अपना जीवन बिताया है। हे विधाता, पैदा ही करना था तो लक्ष्मण सा भाग्य दिया होता, अन्यथा इस अभागे के बदले पत्थर का हृदय दिया होता। भरत जी आप शांत हो जाइए और मुझे प्रभु के पास लौट जाने की आज्ञा दीजिए। यदि समय निकल गया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, श्री लखनलाल के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। हे वीरवर, तुम्हें रात्रि में ही ये संजीवनी बूटी लेके जाके प्रभु श्री राम के पास पहुंचना है, इसलिए तुम मेरे इस बाण पर चढ़ जाओ, ये तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचा देगा। नहीं भरत जी, मैं आपके प्रताप से और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से बाण के समान ही जाऊंगा। अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। जाओ वीरवर। जय श्री राम। दुख हुआ तिवारी, बूटी ला कर स्वामी भक्त ने बिगड़ी बात सवारी। बूटी ला कर स्वामी भक्त ने बिगड़ी बात सवारी। सेवक की भक्ति से नत थे, सेवक की भक्ति से नत थे, मर्यादा श्री राम जी के बिगड़े सवारे तुमने का, राम जी के बिगड़े सवारे तुमने का। रोई आया नहीं अब तक हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह ये धीर, क्या जाने उस त्रोणगिरी तक जा ही न सका कपिराई हो। भूला हो किसी राह में ये होता है लज्जाई हो। यदि लगनलाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, हाय विधाता तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। लक्ष्मण जैसे भाई को खोकर धिक्कार है राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति, हे ब्रह्म शक्ति ते छोड़ दे, आ जा मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित मरना इसका पहले। ए काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले, मुझको समाप्त करना पहले। या ये चाहे एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए,
भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता में जल जाए, एक ही चिता में जल जाए। धीरे हनुमान जी आते ही होंगे। विभीषण जी, विभीषण जी, लक्ष्मण तो मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे, इसने तो मेरे लिए अपने माता पिता तक को ठुकरा दिया और मेरे साथ वनों में आना स्वीकार किया। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि वनों में आने के पश्चात भाई से बिछो हो जाएगा तो मैं अपने माता पिता की आज्ञा को ठुकरा देता। संसार में धन स्त्री सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक सहोदर भाई का मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन है। मैं बिना तुम्हारे भैया, मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह मधुपुर जाऊंगा? जब माँ पूछेगी लगन कहाँ तो क्या कहकर बतलाऊंगा? उस छाती से धोती से ज्वाला बड़बड़ा उठेगी जब जलमीन हीन सी व्याकुल मैया तड़पड़ा उठेगी जब, तब बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे ना चलेगा जगत मां? बस सकते क्या इन लपटों से भरत और शत्रुघ्न? तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता रहे सहे भ्राता मरते उधर अयोध्या में। यदि इतनो खुद बाहर न हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबके जीवन जल्दी से जाग उठो भैया, जल्दी से जाग उठो भैया, अपने उपकारों के घट को और इस भरते जाना। अंतिम इस राघव की इच्छा इस बात ही पूर्ण करते जाना, इतना कर देना हम दोनों की, इतना कर देना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि यदि चिता बनाने मुश्किल हो तो जल मध्य ही बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में हम दोनों को सुला देना। हम दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर है भाई भाई की यादगार, इसी सागर के मरघट पर, इसी सागर के मरघट पर। श्री राम आप धैर्य धारण कीजिए, हनुमान जी आते ही होंगे। लक्ष्मण आके खोलो भैया, जागो भैया जागो, जागो। आज अयोध्या की दीवारें डोल उठी, आँख मूंद कर प्यारा लक्ष्मण वीर बहादुर सोया, अपने ही हाथों से हमने प्यारा लक्ष्मण खोया। जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे। छोड़ चले क्यों मुझको अकेला, छोड़ चले क्यों मुझको अकेला,
जीऊंगा मैं किसके सहारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे। भैया नेत्र खोलो भैया, देखो तुम्हें मेरे राम पुकार रहा है, नेत्र खोलो भैया नेत्र खोलो। दिल की दुनिया सुनी कर दी, दिल की दुनिया सुनी कर दी, पीर जिगर की दुनी कर दी, पीर जिगर की दुनी कर दी, दुनी कर दी, जुदाई तुम्हारी मैं सह ना सकूंगा, जुदाई तुम्हारी मैं सह ना सकूंगा, सुनियो अवध के दुलारे, जागो लखन प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे। भैया नेत्र खोलो भैया, लक्ष्मण नेत्र खोलो, तुम्हें तुम्हारा राम पुकार रहा है। भैया जो माता ने पूछा उन्हें क्या बताऊं, जो माता ने पूछा उन्हें क्या बताऊं, लखन जैसा भैया कहाँ से मिलाऊं, लखन जैसा भैया कहाँ से मिलाऊं, कहाँ से मिलाऊं, छोड़ो न मझधार में मुझको भैया, छोड़ो न मझधार में मुझको भैया, सुनियो अवध के दुलारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, मोरे प्यारे। रामचंद्र की जय, जय श्री राम। बोले लखन लाल की जय, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, व्यास आदि कवि पंचलखानी वंदन
मंगल के नाम की हारो सब जन गौरी नंदन जगत वंदन जगत नाम की हारो सब जन हलहि कंदन असुर मंदन हलहि कंदन असुर मंदन गौरी नंदन जगत वंदन जगत नाम की हारो सब जन गौरी नंदन जगत वंदन जगत नाम की हारो सब जन पतिता पावन सकल भावन पतिता पावन सकल भावन सब शगुन में शुभ लगन में सब शगुन में शुभ लगन में प्रथम सब जग करत पूजन प्रथम सब जग करत पूजन हलहि कंदन असुर वंदन हलहि कंदन असुर वंदन गौरी नंदन जगत वंदन जगत नाम की हारो सब जन गौरी नंदन जगत वंदन जगत नाम की हारो सब जन आ
वचन जय गणराज गणेश जय गौरी पति जगपति मंगल मूल मये सुनो ऐशो तागन हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं सुनो सुनो ऐशो तागन हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं अजी हम लीला दिखाते हैं अजी हम लीला दिखाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं ओ सुनो सुनो कुंभकर्ण से लड़े राम असुरारी फिर कुंभकर्ण से लड़े राम असुरारी जब हुआ निधन उसका तो हसे त्रिपुरारी जब हुआ निधन उसका तो हसे त्रिपुरारी नभ से देवता पुष्पों की वर्षा बरसाते हैं नभ से देवता पुष्पों की वर्षा बरसाते हैं पुष्पों की वर्षा बरसाते हैं वर्षा बरसाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं ओ सुनो सुनो भैया की रावण था घबराया सुन मित्र भैया की रावण था घबराया फिर मेघनाथ को रण क्षेत्र भिजवाया फिर मेघनाथ को रण क्षेत्र भिजवाया तब लखन लाल ने रण कौशल दिखलाया तब लखन लाल ने रण कौशल दिखलाया मारा हृदय में बाण उसे यमपुर पहुंचाते हैं मारा हृदय में बाण उसे यमपुर पहुंचाते हैं उसे यमपुर पहुंचाते हैं उसे यमपुर पहुंचाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं ओ सुनो सुनो कर मृत्यु पति देव की मन में हुई अति दीन जब सती हुई पति साए सभी जयकार बुलाते हैं जब सती हुई पति साए सभी जयकार बुलाते हैं सभी जयकार बुलाते हैं सभी जयकार बुलाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं ओ सुनो सुनो
खोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रघुनंदन रघुनायक की हम लीला दिखाते हैं, श्री रघुनंदन रघुनायक की हम लीला दिखाते हैं, अजी हम लीला दिखाते हैं, अजी हम लीला दिखाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते। जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज अभी अभी ज्ञात हुआ है कि वो छोटा तपस्वी मूर्छा से जा गया है। क्या कहा? छोटा तपस्वी मूर्छा से जा गया? तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी भ्राता कुंभकर्ण के पास जाता हूँ और इस युद्ध को आज ही समाप्त किए देता हूँ। जब से ही हमारा राम के साथ युद्ध हो रहा है और इस
इस युद्ध में अनेकों वीर काम आ चुके हैं। भ्राता जी, जब तक आप उसे अपनी पटरानी नहीं बना लेते तब तक आपकी विजय होना असंभव है। मैंने सारे प्रयत्न कर देखे परंतु वो बहुत ही थकी है। भ्राता जी, स्त्री वस्त्र और आभूषणों की लालची होती है, उसे वस्त्र और आभूषणों का लालच दिया होता। मैंने वो भी करके देखा परंतु उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तो भ्राता जी, आप तो बहुत मायावी है, आप अपनी माया से राम का रूप धर उसके समीप क्यों नहीं जाते, वो आपको अवश्य स्वीकार कर लेगी। करण, मैंने वो भी करके देखा परंतु जब जब मैं उसके समीप राम का रूप धर कर गया तब तब मंदोदरी को छोड़कर सभी नारियों में मुझे मार बहन दिखाई देने लगी। तो भ्राता जी, आपसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिसे आप साधारण स्त्री समझ रहे हैं वह जगत जननी जगदम्बा है, निशाचरों का नाश करने वाली साफ साफ कालिका है, और वह दोनों कोई सामान्य पुरुष नहीं, स्वयं नर के रूप में नारायण है। अरे कुंभकर्ण, मैं तुमसे उपदेश नहीं चाहता। बड़ाई नहीं भैया, सच्ची बात कहता हूँ। एक बार नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था कि बुद्धि मलिन होने के कारण जब रावण सीता को हर कर लाएगा तो संपूर्ण राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। भ्राता जी, एक बात तो बताइए, क्यों गई वहां थी स्वरूप लिखा, क्या काम वहां तक जाने का? कुछ रामचंद्र की जय।
यहां तक कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। कि मेरे होते हुए आप पर कोई आपत्ति आए, मैं वो हूं नागपाल द्वारा जगन्नाथ जिसने कपिवर को बच गए, नहीं तो कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिगड़ तब भाता है विश्राम मुझे, जब तक ना विजय पाकर लौटू तब तक जलपान हरा मुझे। पुत्र धन्यवाद हो गई निरंतर धन शक्ति उन पक्षी बच्चों के आगे, फिर और शक्तियां ठहरेंगी तब पक्षी बच्चों के आगे। अजय शक्ति पाने मंदिर में जाओ यज्ञ करो, घर से पहले तुम रणवीर इष्ट देवी के यज्ञ करो। पिताजी आपने आपकी आज्ञा से अपनी ईष्ट दे दी तो अजय यज्ञ करूंगा, अपने भ्राता चचा अपने चाचा कुंभकर्ण का बदला लूंगा। कसम है आपकी मुझको वो कौतिक दिखाऊंगा, एक के चार और चार के सौ सौ बनाऊंगा। समय बतलाएगा, समय बतलाएगा उस राम का परिणाम क्या होगा, प्रलय का नाच होगा, आज का संग्राम क्या होगा। जाओ पुत्र विजय भव। चलो वीरों, हे नाथ अभी अभी ज्ञात हुआ है कि मेघ कर रहा है क्या, तो मेघनाथ को जीतना असंभव हो जाएगा, तो आप सब लक्ष्मण के साथ जाकर मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करो। लक्ष्मण आज रंगभूमि में मेघनाथ का वध करके देवताओं के पुत्र का स्मरण कर दिया, ये सिंह सुटीला सिंह राज विजय विदारेगा उसका, प्रगति ही करने की है और जिस उतारेगा उसका, बोलेगा छोटी छाती पर तो तक का सब का पाटन का उनका मैं आज बता दूंगा प्यार ही का पाटन का। लक्ष्मण मेरे पास बलकारी होने के साथ साथ बताने की उसके पास कई बताने शक्तियां थी और इन सबसे बढ़कर वो एक नारी को सकता है, यदि वो चाहे तो मरने के बाद भी अपने प्राणों को अपने तन में प्रवेश करवा सकता है, इसलिए उसके तन को छिन छिन करके आना और हाँ उसके मस्तक को दाना कभी लेकर आना, यदि उसका मस्तक पृथ्वी पे गिरा तो सारे पृथ्वी खंड खंड हो जाए। लिया बात ही क्या है, तो बिल्कुल आन है मुझको रोशा पूर की सौगन कसम माता सुमित्रा की विजय रघुवीर की सौगन, करूंगा विश्व शक्ति से Let's go!
यदि नहीं लड़ना तो जा चला जा, कर्मभूमि है ये, बच्चों की चटचला नहीं, युद्ध का मैदान है, खेल का पेड़ा नहीं।
भांति वीर खंडित होकर गिर रहे हैं। ऐसे ही एक भुजा कटकर आंगन में आ गिरी है। ओह, महाराज रावण और राम में घोर युद्ध हो रहा है। यद्यपि मैं जानती हूं कि मेरे वीर पति देव भी युद्ध भूमि में गए हुए हैं। जो कोई वीर 12 वर्ष पर्यंत नींद, स्त्री व भोजन का त्याग करेगा वो ही मेरे पति को मार सकता है, वरना उन्हें दैत्य और देवता भी नहीं जीत सकते। यदि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं तो यह भुजा लिखकर मेरे संदेह को मिटा देगी। शेषावतार लक्ष्मण जी द्वारा तेरा संहार हुआ है। मेरा घर लंका के द्वार पर है और शीश सागर सुरक्षित रावणगढ़ में है। स्वामी, आपने तो कहा था मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी इस जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की, रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रणस्थल में, तुमसे पहले अपनी आहुति मैं दे देती सुमरावल में। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर, हम दोनों साथ साथ मरकर जाते उस शांत किनारे पर, जाते उस शांत किनारे पर, जाते उस शांत। पिताजी, आपके जीते जी मेरी यह दुर्दशा कि सुख के समय मुझे गहन दुख भोगना पड़ रहा है। ये बाणों से कटी खून से लथपथ मेरे पति की भुजा मेरे भवन में आ गिरी। पहले तो मैं इसे देखकर डर गई, परंतु जब मैंने इसके हाथ में खड़िया मिट्टी दी, तब इसने मुझे युद्ध का सारा समाचार लिखकर बता दिया कि मेरे पति का धड़ लंका के द्वार पर पड़ा है और शीश रामा दल में है। पिताजी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। इस कुल की लाज और बड़ाई सब आप पर निर्भर है। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे मेरे पति का शीश मिल जाए। पिताजी। बेटी, तू क्यों रोती है? क्यों करुणा नदी बहाई है? तू तो उसकी प्रिय पत्नी है जिसने वीर गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। नहीं पिताजी, नहीं, मुझे लाखों शीशों से भला क्या प्रयोजन, मुझे तो मेरे पति का शीश ही चाहिए। पिताजी, आप मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दे दीजिए जिससे मैं अपने पति का शीश ले आऊं। पति ही सगति इस जगत में, पति ही सगति इस जगत में। युद्ध का परिणाम जितना भयानक होता जाता है, पति देव का ज्ञान उतना ही सोता जाता है। कैसे कैसे वीर स्वर्ग सिधार गए, कितने महारथी समय की गति से हार गए। माता जी, आ बेटी, कैसे देखूं तेरा ये विधवा रूप, कैसे निहारूं तेरा सुहाग उजड़ गया, कैसे देखूं तेरे दिन लुट जाने के दिन,
हो गई तू विधवा, यही तो थे खेलने खाने के दिन। मेघनाथ के मरने से मेरा हृदय बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है, बड़ा। माता जी, यह सब तो कर्मों का फल है। कर्मों के सामने तो ये सारा संसार ही लाचार है। आपका और मेरा भाग्य भी निराशा के गहन अंधकार में डूब गया है माता जी। परंतु आप धैर्य धारण कीजिए और मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए माता जी। कैसे आज्ञा दूं? पुत्र तो चला गया, तू भी चली जाएगी, तब मैं किसके सहारे रहूंगी? बोल बेटी, कैसे रहूंगी? माता जी, आप अपने मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना कीजिए। ईश्वर या देश जाति के हित जो रण में प्राण गवाता है, वो ही इस जग में जन्मा है, उसकी ही माता माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। इतना ही जग में नाता था और यहाँ कुछ भोग नहीं। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें? तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ मुझको समझाओ। पुत्री, मुझे तुझ जैसी उत्तम बहू नहीं मिलेगी। जग में जो बहू का नाता है तूने सभी जाना है। भूले से सास नहीं समझा, सदा माता ही माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों का सम्मान किया, गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या में ही ध्यान दिया। बेटा, वो स्त्री बड़ी उत्तम है जो अपने पति के साथ सती होकर सतीपुर को जाती है, या आजीवन ईश्वर की भक्ति में बिताती है। अच्छा तो माता जी, अब मुझे रामादल में जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्री, मैंने नारद जी से सुना है वो सत्य होगा। तुम श्री रामादल को जाओ और अपने पति का शीश ले आओ। जाओ जाओ पुत्री, जाओ। प्रभु, 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 मेघनाथ के मरने के पश्चात लगता है रावण के अकल ठिकाने आ गई है। नगर से डोली चली आ रही है, प्रतीत होता है माता जानकी जी उसमें आ रही हैं। नहीं महाराज, रावण बड़ा हठी है। ये जो सामने डोली आ रही है इसमें माता सीता नहीं, मेघनाथ की पतिव्रता स्त्री सुलोचना है। हे रघुनाथ जी, आप बड़े ही दयालु हैं। आप घट घट के जानने वाले हैं। आपका ना आदि है ना मध्य और ना ही अंत है। आज मैं विपत्ति की मारी आपके पास अपने पति का शीश मांगने आई हूं। यदि राम दया के सागर हैं, रखेंगे टेक भिकारन की, आशा तो है स्वीकार होगी, बिनती मुझ एक भिकारन की। हे देवी, तुम प्रत्यक्ष रो रही हो और मैं मन ही मन रो रहा हूं। यदि मेरे सत्य कर्म के प्रभाव से मेघनाथ जीवित हो सकता है तो वो फल देने को मैं तैयार हूं। हे रघुवीर, आपने जो मधुर वाणी मुझसे कही इसमें कोई संशय नहीं कि वह मेरे प्राणों को अति सुख देने वाली है। परंतु मेरे पति मृत्यु लोक में आ भी गए तो फिर से ऐसी सुगति नहीं पा सकेंगे। इसलिए यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मेरे पति का शीश मंगा दीजिए। मुझसे ये संवाद मेरे पति की भुजा ने ही लिखकर बताया कि उनका शीश रामादल में है। मैं तो यहां केवल अपने पति के शीश की भिक्षा मांगने आई थी। हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मृतक शरीर की भुजा लिख करके बताए? हम तो ये तब मानेंगे जब ये कटा हुआ शीश हमें हंसकर दिखाए।
हे सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार का संशय ना कीजिए। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो अनहोनी बात भी हो सकती है। इसका तो अभी परिचय हो जाएगा प्रभु। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ इन टूटे हुए जोड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज यहाँ आदेश तुम्हारे पर आई रामादल में यह नारी है आदेश तुम्हारे पर आई रामादल में यह नारी है अब जग हसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। हे अयोध्यापति, आज मेरे हित में यह युद्ध बंद कर दीजिए। मेरे सभी योद्धा एक एक करकर इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। पुत्र घननाद और भ्राता कुंभकर्ण के मरणोपरांत मेरी ये सोने की लंका शमशान भूमि सी प्रतीत हो रही है। मेरी सभी आशाएं धूमिल हो चुकी हैं। मेरे जीवन में अब अंधकार सा प्रतीत हो रहा है। अब मुझे ये सोचना है कि मेरी दानवी सेना में ऐसा कौन सा वीर है जो मेरे इस अंधकार भरे जीवन में प्रकाश आलोकित कर सके। पिताजी, आज आपके मुख मंडल की आभा शीर क्यों हो रही है? आज आपने मुझे पैदा लोक से किस लिए याद किया? पुत्र हिरावन, एक बार बहन स्वरूप निखा दंडक वन में विहार करते हुए गई। वहां पर अयोध्या के दो राजकुमारों के साथ उनकी स्त्री आई थी। जब उसने उस स्त्री से बात करना चाहा, तो उस छोटे तपस्वी ने उससे छल करना चाहा। जब उसने उसका विरोध किया तो उसने उसके नाक और कान काट डाले। तत्पश्चात हमने अपने हृदय में भटकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर दिया। बस तभी से हमारा उन तपस्वियों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में पुत्र घननाद और भ्राता कुंभकर्ण भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। वीरगति को प्राप्त हो गए? हाँ, अब हम तुमसे ये चाहते हैं, तुम अपनी माया से उन दोनों तपस्वियों को महाकाली रणचंडी की भेंट चढ़ा दो। पिताजी, ये तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो आपने श्रीराम की महिमा को नहीं समझा और अपनी सेना का और वंश का नाश करा दिया। ठीक है, मेरा मन तो नहीं मानता, किंतु आपके कार्य हेतु मैं जाऊंगा और उन दोनों तपस्वियों का हरण करके उनको देवी की बलि चढ़ाऊंगा। मुझे निश्चय करेगा, सिद्ध मेरा नाम तू फिर से फहराएगा, संसार में लंका का नाम तू। परंतु पुत्र, मुझे ये कैसे ज्ञात होगा कि तुमने उन दोनों तपस्वियों का हरण कर दिया है? कैसे ज्ञात होगा? तो सुनो पिताजी, जब रात्रि में
सूर्य का प्रकाश दिखाई दे तो समझ लेना कि मैं अपने कार्य में सफल हो गया हूं। और होगी और बजेगी, जीत की तुम कभी मेरी फिर से रोशन होगी, सोने की लंका मेरी। जाओ पुत्र विजय भव। रात्रि बहुत हो जाती है तो प्रकाश नहीं दिखाई देता, मैं जाऊंगा और रामादल में अंधेरा करके उन दोनों तपस्वियों का हरा करके लेके आऊंगा। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, मैं अपने पिताजी का प्रतिशोध लूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा अंदर हो जाओ ना यार। ये तो भयंकर वानर सावधानी से पहरा दे रहा है, अब मैं इसमें कैसे प्रवेश करूं? कोई युक्ति लगाता हूं। हाँ, याद आया, चाचा विभीषण का भेष बनाकर और इस दल में घुस जाता हूं। विभीषण जी, आप अर्धरात्रि के समय आप कहां से आ रहे हैं? हनुमान जी, मैं प्रभु से आज्ञा लेके नंदन के लिए गया था, बस वहीं विलंब हो गया। अच्छा, अब जाकर विश्राम कीजिए, रात्रि बहुत अधिक व्यतीत हो चुकी है, आइए। जय श्री राम। इस पायल को कृष्ण भक्त से पूजित कर देता हूं। God.
उठो। हाँ? लखनलाल जी का भी पता नहीं चल रहा। भाइयों, मैं तो बड़ी सावधानी से पहरा देता हूँ। रात्रि में विभीषण जी के अतिरिक्त और कोई नहीं आया। क्या कह रहे हो हनुमान जी, मैं तो यहीं था। नहीं विभीषण जी, अर्धरात्रि के समय आप ही तो आए थे, और जब मैंने आपसे देर से आने के कारण पूछा तो आपने कहा कि संध्या वंदन करने के लिए गया था, इसी कारण आने में विलंब हो गया। क्या मेरी ही आवाज थी? हाँ विभीषण जी। मेरा ही रूप था? हाँ विभीषण जी। मुझे तो लगता है ये नीच कार्य उस रावण ने ही किया है। ये आप क्या कह रहे हैं अंगद जी, जिसने सीता का हरण किया क्या उसने हरा राम को भी? निर्दयी निशाचर हत्यारा, ले भागा दया धाम को भी। अगर ऐसा है तो सारी लंका सागर के मद्दड बो दूंगा, दशमुख के शिष्य टुकड़े कर गिद्धों का ग्रास बना दूंगा। ओ पामर पापी सावधान, अब ये हनुमान भयंकर है, कल तक तो लंका दाहक था पर अब तो पूर्ण भयंकर है। जिनके नाम ही के बल से लंका का मैंने दहन किया, अंगद ने पांव जमाया तो खलदल का बल सब शमन किया। उस स्वामी को किसका साहस जो ले जाए इस कपि मंडल से, अरे रावण क्या यमराज तलक ठर्राते हैं रामादल से। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जस्ता है, श्री राम आप ही दे प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। हनुमान जी को नहीं, मैं अभी अपनी माया से पता लगाता हूं। ओह, ये नीच कार्य रावण के मायावी पुत्र अहिरावण का है, जो पाताल का राजा है वही प्रभु राम और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया है। बस कोई यह पाताल में शीघ्र जाए और प्रभु को उससे आजाद करा लाए। ऐसा महान कार्य तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। जागो जागो हे रामदूत, केसरी सुमन जागो जागो, हम सबकी जीवन रक्षा को मारुत नंदन जागो जागो, रात ही रात में बूटी ला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने, जो काम पवन कर सकता वो पवन कुमार किए तुमने, निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर, उपकार यही तो सच्चा है मर जाए विपत पराई पर। ठीक है जामन जी, मैं अभी पाताल लोक जाता हूँ और प्रभु को लेकर आता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो, तू मेरा तिरस्कार करके बेखटके कहां जा रहा है, क्या तुझे भय नहीं लगता? भय? और मुझे? अरे मूर्ख बालक, मेरे मार्ग से हट जा। ओह, आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा, बालक द्वारा वृद्धगीश अभिमान चूर्ण हो जाएगा, इसलिए यहां से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूं, मैं मकर ध्वज कहलाता हूं, कभी वर हनुमत का बेटा हूं। ओ मूर्ख ज्ञानी दर्देख, अरे मैं ही वो हनुमत हूं, प्रभु का आज्ञाकारी हूं मैं, कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूं मैं। पिताजी 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 प्रणाम। लंका का करके दहन पिता, जब जल में पूछ बुझाई थी उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी, मछली ने उसका पान किया रह गया गर्भ तक काल उसे, मिल गया देव कर्म से ये मकर ध्वज सा लाल उसे। पिताजी तभी से मैं अहिरावण की सेवा करता हूं तथा उसके द्वार पर पहरा देता हूं, बताइए बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अच्छा, यदि तू स्वयं को मेरा पुत्र ही कहता है तो बता, क्या तेरा स्वामी मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर लाया है? हाँ पिताजी, वह उन दोनों भाइयों की देवी पर भेंट चढ़ा देगा। तो फिर मेरे मार्ग से हट जा, मैं अंदर जाकर अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। स्वामी का है आदेश उधर, आदर इस ओर पिता का है,
है असमन जस में मकर ध्वज, ये सोच रहा करना क्या है, उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है कैसे ठोर खड़ा सेवक, पथ देता नहीं दिखाई है। हे पितृदेव, हे पितृदेव, आप ही बतलाएं इस समय धर्म क्या है मेरा, हे कर्मवीर, हे कर्मशील, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो तुमसे मैं संतुष्ट हुआ, तू निश्चय ही बेटा मेरा है, ये सिद्ध हुआ, ये पुष्ट हुआ। हे पुत्र, जब धर्म पर ही बात आ गई है तो सुनो, मेरा धर्म तो ये है पुत्र, पहुंचू मैं भीतर नगरी के, पर कर्तव्य तुम्हारा है मुझको, रोको तुम बाहर नगरी के। अब शक्ति करेगी न्याय, अब शक्ति करेगी न्याय, कौन निजन्नी का निकाजन है, तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान
Thank you.